नमस्कार दोस्तों, वोकैब विद फन का ये फोर्थ पार्ट है। हम डायरेक्ट वोकैब पर आते हैं। पहली वोकैब है आइडल। तो दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मोटा व्यक्ति होता है वो आलसी होता है, हम जानते हैं। जो ये नहीं कहता कि आप यदि मोटे हैं तो आप आलसी हैं, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मोटापा होता है वो इंसान को आलसी बना देता है। तो देखो दोस्तों, जो पहला वर्ड है आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी, सुस्तीला। जंक फूड खाने से हम क्या होते हैं कि मोटे हो जाते हैं, और जिससे कि आलस उत्पन्न हो जाता है। तो आइडल को कैसे याद करें, मैं बता देता हूँ। जो आइडल, IDLE, तो ई की जगह यदि हम आई लगा दें तो इडली पढ़ लेते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं कि इडली खाने वाले व्यक्ति आलसी होते हैं। तो इडली खाने वाले व्यक्ति आलसी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडियल। तो रेमेडियल का मतलब होता है उपचारात्मक, समाधानात्मक या सुधारात्मक, या आपकी जो निवारण जो करता है उसको रेमेडियल बोलते हैं। तो रेमेडियल को मैंने कैसे याद किया, मैं बता देता हूँ। देखो, REM, तो आप ई की जगह ए लगा दे, राम, या आप RE लगा दिया, एम के बाद फिर ई है तो उस पर भी ए लगा दो, रमा। तो मैंने रमा से इसको याद किया, रमा मेरी क्लासमेट है तो मैं उसको इस वोकैब को जल्दी याद कर पाता। और रेमेडियल में डीएल जो है उसको हमने डायल पढ़ लिया, तो रमा डायल। तो मुझे जो भी समस्या होती है, कभी भी समस्या होती है, तो मैं रमा के पास फोन डायल करता हूँ और उसके उपचार के लिए वो उपचार उसका बता देती है, उपचारात्मक या समाधानात्मक। तो मतलब क्या है कि रमा के पास फोन मिलाकर मैं अपनी समस्याओं का हल या उपचार पूछ लेता हूँ। रमा डायल, रेमेडियल, रेमेडियल मतलब रमा डायल। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, वो है टेम्पोराइज। टेम्पोराइज का मतलब होता है टाल मटोल करना। तो अब हम जब देखो टेम्पोराइज, तो TEMPO, तो हम इसको क्या टेम्पू पढ़ लेते हैं, टेम्पू, टेम्पोराइज, तो RIZE, तो RIZE है तो RO पढ़ लेते हैं, तो टेम्पो रोज, तो टेम्पो रोज। तो क्या होता है कि टेम्पो वाले से रोज मीटर को लेकर, टेम्पो वाले रोज मीटर को लेकर टाल मटोल करते हैं, मीटर से बिल लेने के लिए वो टाल मटोल करते हैं। क्योंकि मीटर से क्या होता है कि कम किराया आता है और उससे ज़्यादा किराया आता है यदि वो वर्बली ले, तो टेम्पो वाले रोज मीटर को लेकर टाल मटोल करते हैं। टेम्पोरोज, टेम्पोराइज का मतलब टाल मटोल करना। नेक्स्ट वर्ड आता है कार्प। तो कार्प से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में एक शब्द पढ़ा था, एक वोकैब पढ़ी थी, बीमन। तो बीमन को हमने बेमन पढ़ा था कि बेमन ही मैंने आपकी शिकायत की। तो शिकायत करना क्या होता है, बेमन का मतलब शिकायत करना। तो कार्प का मतलब क्या होता है, कार्प का मतलब भी शिकायत करना होता है। तो हमें इसको याद कैसे करें, CAR, तो हम कार पढ़ लेते हैं, पी को हम पर या पे, तो कार पे या कार पर। तो हम दोनों की इंक्लूड कर लेते हैं कि कार पर बैठकर बेमन ही मैंने आपकी शिकायत की। तो कार का मतलब शिकायत करना और बेमन का मतलब भी शिकायत करना, दोनों हमको याद हो गए। अब हम कुछ ऐसे वर्ड ले लेते हैं जो इरिटेशन की जो सेंस उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ा या तनुक मिजाज जो उत्पन्न करते हैं। पहला वर्ड आता है क्रोचिटी। इसका शुद्ध उच्चारण भी क्रोचिटी ही है, मैं आपकी स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा क्रोचिटी। तो क्रोचिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब हम इसको याद कैसे करें, हमने लास्ट वीडियो में एक वर्ड देखा था कि कोवनेंट। कोवनेंट को हमने कोवा और आंट पढ़ लिया था कि कोवा और आंट में समझौता हो गया। अब देखो, कोवा और आंट, कोवा और चिटी में यदि झगड़ा हुआ है तभी तो समझौता हुआ है। तो झगड़ा हुआ है, झगड़ा करने वाले ज़्यादातर व्यक्ति कैसे होते हैं, चिड़चिड़े टाइप होते हैं। तो क्रोचिटी का मतलब क्या होता है, क्रो, क्रो मतलब कोवा और चिटी का मतलब आंट। कोवनेंट और क्रोचिटी में अंतर क्या है, वो तो समझौता करना और यहाँ चिड़चिड़ा, और एक और है डिफरेंस। तो जो कोवनेंट है उसमें कोवा को हमने हिंदी में पढ़ा था, कोवा और आंट को हमने इंग्लिश से, आंट चीटी, और यहाँ पर क्रो चीटी, क्रो को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर चीटी को हम हिंदी में। तो क्रो चीटी का मतलब चिड़चिड़ा।
कौवा का जो आवाज़ होती है, कौवा की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, कर्कश आवाज़ होती है जो कानों को अच्छी नहीं लगती। और चींटी, चींटी का जो नेचर होता है जी, वो भी चिड़चिड़ा टाइप होता है। फॉर एग्जांपल यदि आपके जो बिस्तर पर कई चींटी है वो आपको काट लेती है, यदि आप वो आप उस पर बैठते हैं तो वो इसका चिड़चिड़ा एक नेचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि चिड़चिड़ा, क्रो चींटी का मतलब चिड़चिड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रमजन, शुद्ध उच्चारण भी क्रमजन है, तो क्रमजन का मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। तो हम इसको याद कैसे करें, मैंने कैसे याद किया, मैं अब ये बता देता हूँ। तो हम हरियाणा में हम कह देते हैं क्रम के जने एक ऐसे एक, तो हम मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया कि क्रम के जने सभी की सभी बच्चे चिड़चिड़े हैं। तो मैंने याद करना था, कैसे भी याद करो, मैंने इसको याद किया कि क्रम के जने सभी के सभी बच्चे चिड़चिड़े हैं। तो जो चिड़चिड़ा की जो सेंस है क्रमजन ही उत्पन्न करता है और क्रोचिटी भी उत्पन्न करता है। ऐसे ही एक वर्ड और है चिड़चिड़ा की सेंस में ले तो फ्रेटफल, इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो फ्रेटफल है। तो इसको कैसे याद किया, जो एफ आर ई यदि डबल ई लगा दी तो इसको फ्री पढ़ लेते हैं, और टी टी को अलग कर दे, टी का मतलब चाय, फ्रेट फ्री, टी फ्री की चाय, और फल एफ यू एल को फुल एफ यू डबल एल पढ़ लेते हैं कि फ्री मुफ, और टी का मतलब चाय और फुल का मतलब सारी। तो फ्री की चाय फुल, यदि हम यदि इसको देखें तो फ्री चाय और फुल भरा। तो हम इसको याद कैसे किया मैंने कि फ्री की चाय पिलाकर दुकानदार चिड़चिड़ा हो गया, फ्री चाय और फुल कि पूरी की फ्री की चाय, पूरी फ्री की चाय, सारी पूरी की जगह हम सारी लगाते, सारी फ्री की चाय पिलाकर दुकानदार जो है वो चिड़चिड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेटफुल का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। ऐसे ही एक वर्ड और है फिनकी, शुद्ध उच्चारण इसका फिनकी है, तो इसको इसका मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। अब मैंने इसको कैसे याद किया वो मैं आपको बता दूं, जो पहले ही जो एफ आई एन को मैंने फाइन पढ़ लिया, फाइन यदि ये लगा दे तो फाइन हो जाता है, फाइन, और के वाई लास्ट में जो के वाई है फिनकी, उसको की मतलब चाबी, फाइन चाबी से मैंने इसको याद किया फिनकी को। और हम इसको याद कैसे कर सकते हैं कि फाइन रहने की चाबी, कि फाइन का मतलब ठीक या अच्छा, रहने की चाबी या फाइन रहने की चाबी औरों को चिढ़ाने में नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को याद किया है, आपको यदि ठीक लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मैं को आपसे आशा करता हूँ कि आप इसकी कमेंट बॉक्स में आप खुद की जो की बनाकर एक ट्रिक बनाकर मुझे सेंड करें। मैंने इसको ऐसे याद किया कि फिनकी को फाइन और क्लास के वाई को चाबी, तो जो फाइन की फाइन रहने की चाबी औरों को चिढ़ाने में नहीं है, तो ऐसे मैंने इसको याद किया फिनकी का मतलब। एक वर्ड और है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसकी सेंस भी चिड़चिड़ा ही है, हफी एच यू डबल एफ वाई, इसका मतलब चिड़चिड़ा होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यदि आपसे कोई ट्रिक बनती है हफी की। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं हम, हिरंग, हिरंग, तो हिरंग का मतलब होता है उग्र भाषण देना, ऐसा भाषण जो क्या करे, हलचल पैदा कर दे, उग्र भाषण देना। तो इसको याद कैसे करें मैं बताता हूँ आपको, जो शुरू में एच ए आर ए हरा, इसको हम हरा पढ़ लेते हैं हरंग को, और आर ए एन जी बीच में देखिए आप, आर ए एन जी रंग मतलब कलर। तो हम कह सकते कि हरे रंग की साड़ी पहनकर सोनिया गांधी उग्र भाषण दे रही है, हरंग हरा एच ए आर ए हरा, और बीच में ही आर ए एन जी हरे रंग, हरा रंग, हरा रंग की साड़ी पहनकर सोनिया गांधी उग्र भाषण दे रही है। ऐसे ही हम एक शब्द पर और आते हैं, एक वोकैब पर और आते हैं, हम बग, मग, तो एच यू एम बी यू जी, इसका मतलब हम बग का मतलब होता है धोखा, धोखेबाज, धोखा देना,
या छल कपट करने वाला या छल कपट धोखा देने वाला। तो मैंने इसको कैसे याद किया कि हमारा बैग वह धोखे से ले गया, कि धोखा देना मतलब हम्बक का मतलब धोखा देना। तो हमारा बैग कि हमारा पढ़ सकते हैं, हम लोगों का बैग ऐसे भी कर सकते हो आप, हम्बक का बैग हमारा, हमारा बैग वह धोखे से ले गया, हम्बक हमारा बैग। अच्छा अब हम थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सी वोकैब की है। आइडल, आइडल जो इडली खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आलसी होते हैं। उसके बाद हमने किया था हाँ रेमेडाइल। रेमेडाइल का मतलब क्या होता है? उपचारात्मक, कि मैं रमा के पास फ़ोन मिलाता हूँ अपने उपचार के लिए, अपनी जो समस्या है उसके उपचार हेतु मैं रमा के पास फ़ोन डायल करता हूँ, रेमेडाइल। उसके बाद है टेम्पोराइज। टेम्पोराइज टेम्पू और रोज, टेम्पो वाले रोज मीटर चलाने को लेकर टाल मटोल करते हैं, तो टाल मटोल का मतलब होता है टेम्पोराइज। कार्प और बेमन हमने एक साथ किया था, तो बेमन का मतलब समझौता और कार्प का मतलब भी समझौता। कार पे बैठ के मैंने बेमन ही आपकी शिकायत की, दोनों वर्ड आपसे क्लियर होगी। क्रो चीटी कुआ और चीटी का जो स्वभाव होता है वो क्या ऐसा होता है? चिड़चिड़ा। ऐसे ही हम क्रमजन का मतलब भी हमने चिड़चिड़ा की सेंस में था, तो क्रम के जने सभी के सभी बच्चे चिड़चिड़े हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने किया था फेटफल, तो FRE से हमने फ्री, टी का मतलब चाय और फुल कि सभी पूरी, मैंने इसको क्या क्या किया था, सभी फ्री की चाय पिलाकर दुकानदार चिड़चिड़ा हो गया। सारी फ्री की चाय पिलाकर दुकानदार चिड़चिड़ा हो गया। उसके बाद हफी मुझसे बना नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें प्लीज़, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हो सकता है कि आपकी ट्रिक बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिनकी को मैंने कैसे याद किया कि FIN इसको हमने फाइन पढ़ा और लास्ट के की के और वाई को मैंने चाबी, तो हम कह सकते हैं कि फाइन रहने की चाबी चिढ़ाने में नहीं है। हम हरंग, तो हरंग HARA इसको हरा पढ़ लिया और बीच में हमने RNG को रंग, तो हरंग का मतलब होता है उग्र भाषण देना। तो हमने कहा था कि हरी साड़ी पहनकर सोनिया गांधी उग्र भाषण दे रही है। नेक्स्ट वर्ड था हम्बग, HUM को हमने हमारा, हम हमारा, बग को हमने बैग पढ़ लिया, तो हमारा बैग हम्बग का मतलब होता था धोखेबाज या छल कपट या धोखेबाजी जो करता है उसको हम बग बोलते हैं। तो हमने क्या कहा था, हमारा बैग वह धोखे से ले गया। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें खामियाँ जो भी है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।